हेलो स्टूडेंट वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों हेलो हेलो स्टूडेंट वेलकम टू फ्रेंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल इस चैनल पर सुबह सात छः बजे में लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना ये लाइव क्लास की ये वीडियो जिसमें आप लोग अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो तो क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी टाइप कर दिए है तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने टाइप किया बच्चों इनमें से मैं जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल ऑडिबल है क्लियर है सही सुनाई दे रहा है आप लोगों को तो एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर क्लास बिल आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रहा है हम लोगों को ठीक है एक बार बच्चों बता दो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है वॉइस ऑडिबल है एक बार कमेंट कर दो बच्चों अगर आवाज क्लियर आ रही है तो बता दो यस सर क्लियर है वॉइस क्लियर आ रही है तो स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है आ रही है आई होप आ रही है ठीक है चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ एक बच्चे ने बोल दिया यस गुड मॉर्निंग बच्चो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हो फर्स्ट uh, क्वेश्चन ये लाइव चैट में एक बच्चे ने टाइप किया है Uh, एक इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है उस तो इक्वेशन से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक्स माइनस एट बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर्टीन बाई एक्स और इसमें हमें इसे सॉल्व करके इसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व फॉर एक्स ठीक है एक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर्टीन बाई एक्स ठीक है देखो कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके बाद भी इसे सॉल्व करता हूँ ठीक है देखो भाई एक मिनट तो जैसे आपने क्वेश्चन टाइप किया हो बच्चों तो एज इट इज़ मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ जैसे लाइव चैट में एक बार बच्चों क्वेश्चन देख लो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की और जो आपने इक्वेशन दे रखा है इक्वेशन कुछ इस तरह से कि एक्स माइनस एट बाई ठीक है एक्स माइनस एट बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू ए फोर्टीन बाई एक्स यही क्वेश्चन है ठीक है अगर यही क्वेश्चन है तो एक बार बता दो यस सर यही क्वेश्चन है ठीक है क्लियर है ठीक है ठीक है तो बच्चों जब भी हमारे पास टू एक, एक कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें दो चीजें होती है एक एलएचएस होता एक है एक आर होता है ठीक है जब भी कोई इक्वेशन आप लोगों को गिवन होगा तो जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें होती है उसे एलएचएस बोल देते हैं जो राइट right साइड में जो चीजें होती है बच्चों उसे हम लोग आरएचएस बोलते हैं ठीक है ठीके? अब जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे एक तरफ करते हैं और रिमेनिंग चीजें एक तरफ करते हैं अब यहाँ पे वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्स की ठीक है ये ये रहा और ये रहा तो हम लोग क्या करेंगे एक्स को एक तरफ कर लेंगे बाकी चीजें एक तरफ कर लेंगे तो इसे जैसे सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा एक्स माइनस ये जो आपके पास ये जो एट बाई एट बाई ट्वेल्व है बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट अच्छे से आ जाए ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसे एट को और ट्वेल्व को डिवाइड कर लूंगा फोर के टेबल से फोर टू जहा एट हो जाए और फोर फोर के टेबल से थ्री टाइम्स करूंगा फोर थ्री से ट्वेल्व होता है यानी कि ये टू बाई थ्री हमारे पास आ गया ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या करूंगा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं जैसे अभी आपके पास ये एक्स है और इधर जो फोर्टीन बाई एक्स है ये पॉजिटिव में है इधर साइड चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है और इधर ये जो टू बाई थ्री हमारे पास जो रिजल्ट है बच्चों ये नेगेटिव में है तो जब ये साइड चेंज करेगा बच्चों क्यों करेंगे हम इसका तो ये टू बाई थ्री प्लस में आ जाएगा ठीक है अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और ये आपके लिए एलसीएम जब लोगे तो एक्स आता है और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स और एक्स को तो ये आपके पास एक्स स्क्वायेयर हो जाएगा ठीक है और ये फोर्टीन एज इट इज रहेगा और इधर आपके पास टू बाई थ्री है ठीक है कुछ इस टाइप से अच्छा उसके बाद आगे देखो बच्चों आगे क्या करना है कि हमारे पास डिसिम्पलाइज में लिख लेता हूँ ये आपके पास एक्स स्क्वायेर हो गया माइनस फोर्टीन हो गया ठीक है और ये जो टू बाई टू बाई थ्री है ठीक है टू बाई थ्री तो ये जो थ्री है थ्री तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है थ्री यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आगे आ गया जाएगा और ये जो टू है वो इधर आ जाएगा यानी कि ये टू एक्स हो जाएगा अब आपके पास ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई कि थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री फोर्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फोर्टी टू आ जाएगा फोर्टी टू अच्छा उसके बाद ये जो टू है टू एक्स जो इधर पॉजिटिव में है जब साइड चेंज करोगे तो आपके पास माइनस टू एक्स और ये जीरो हो जाएगा ठीक है यानी कि आप इसे लिख सकते हो थ्री एक्स स्क्र ये टू है बच्चों थ्री एक्स स्क्वायेयर प्रॉपर तरीके से जो जनरल फॉर्म होती है इसके थ्री एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स और माइनस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको इन दोनों को यानी कि ये जो कॉफिशियंट है यहाँ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना पहले एक बार बता दो ठीक है वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन हायर लेवल का है जिस बच्चे ने भी पूछा है बच्चों तो ये, जो 3 है बच्चो, ये 3, इसका, इसका 3, और ये कि आप फोर्टी टू फोर्टी टू और थ्री को अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो जो भी रिजल्ट आएगा जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आपके पास यानी कि वन ट्वेंटी सिक्स आएगा वन ट्वेंटी सिक्स तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ठीक है और जब हम प्लस या माइनस करें बच्चों प्लस या माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट टू आना चाहिए ये वाला और टू कौन सा आना चाहिए माइनस टू आना चाहिए यानी कि हमें इस टाइप के दो नंबर लेने हैं जो कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें बच्चों ठीक है जब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस टू आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 126 ट्वेंटी आए अच्छा 126 लाने के लिए मैं क्या करूंगा 126 को ही यहां पे फैक्टराइज कर लेता हूं ताकि मुझे इसके फैक्टर मिल जाए और मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए तो टू के टेबल से स्टार्ट करता हूँ टू सिक्स कह सकते हैं ट्वेल्व है और टू थ्री अच्छा अब इसको टू से तो नहीं होगा थ्री के टेबल से देख लेते हैं तो के टेबल से आपके पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा थ्री से के टेबल से टू और ये वन हो गया अच्छा अभी और हो सकता है थोड़ा सा तो मैं अब ऐसा करता हूँ थ्री के टेबल से फिर से करता हूँ तो सेवन आ जाएगा अच्छा अब देखो भाई क्या क्या हो सकते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से है इसके जो फैक्टर्स आ गए टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन ठीक है अब देख लेते हैं क्या क्या ले सकते हैं हम लोग तो मैं इधर ले सकता हूँ नाइन फोर्टीन लूँ इन दोनों को लूँगा तो नाइन आ जाएगा इन दोनों को लूंगा तो फोर्टीन आ जाएगा फोर्टीन और नाइन फोर्टीन uh, और नाइन से हो सकता है क्या हाँ फोर्टीन और नाइन से ये तो आ सकता है क्या ना आपके पास वन ट्वेंटी सिक्स तो आ सकते uh, आ सकता है बट माइनस टू नहीं आएगा कुछ और लिख लेते हैं अभी फिर तो जब ये नहीं बात बन रही है तो तो ऐसा करते फोर्टीन नाइन नहीं हुआ तो आपके पास ये सेवन ये सेवन हो गया और ये नाइन एटीन एटीन और सेवन ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है नहीं भाई इससे भी नहीं हो पा रहा है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं है जब हमारे पास फैक्टर भी नहीं बन रहे हैं इन सब के ठीक है जब आपके पास इन सबके फैक्टर भी नहीं बनते हैं क्या लिखना चाह रहे हो भाई क्वेश्चन ठीक है ना

ना ना ना ना, ना क्वेश्चन भाई अलग अलग स्टेप में तुम अलग अलग लिख रहे हो भाई पहले कुछ और लिखा है फिर बाद में कुछ और लिखा है क्वेश्चन यही है बच्चे एक बार मुझे वेरीफाई करवाओ फिर नहीं तो मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा इस सवाल मेरी आवाज आ रही है हेलो बच्चे बताओ ये क्वेश्चन ठीक है मैं जो पूछ रहा हूं क्वेश्चन ठीक लिखा है टाइप सही किया है अरे मैं यस या नो में बताऊँ यस या नो में बताऊँ तुमने क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दिया मैं देख रहा हूँ बट ये बताओ कि क्वेश्चन ठीक है ना मतलब जो मैंने लिखा है एकदम बिल्कुल करेक्ट है जो तुमने टाइप किया है एज इट इज यही है चलो ठीक है अगर अभी तक मुझे पता नहीं लग रहा है तुमने रिप्लाई नहीं किया है सर बता दीजिए ठीक है भाई अब क्वेश्चन ठीक है तो चलो फिर मैं करता हूँ तुमने वैसे बताया है, नहीं है मैं ही मान के चल रहा हूँ चलो तुम क्वेश्चन ठीक ही बता रहे हो हाँ तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आ गई है अब जब यहाँ पे ये चीज नहीं बन रहा ठीक है, है? यहाँ पे इसके फैक्टर मैंने बनाने की कोशिश करी और फैक्टर हमारे पास नहीं बन रहे यानी कि ऐसा कोई नंबर हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा है जो वन मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आए करके आए और उसके अलावा हमारे पास ये माइनस आए ठीक है इस टाइप से नहीं बन पा रहा है जब इस टाइप से बन ही नहीं पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एक फार्मूला लगाएंगे उसके हिसाब से उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए तो जनरल इक्वेशन हमारे पास जो इसका बचो होगा वो एक्चुअली ये होता है इसका जनरल इक्वेशन एक होता है ठीक है ये जनरल इक्वेशन होता है और इस जनरल इक्वेशन से आप लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ये थ्री हो गया ठीक है बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो कि आपके पास माइनस टू हो गया ठीक है माइनस टू है

प्लस सी इज गल टू जीरो सॉल्व करना होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं बच्चों दो रिजल्ट आएंगे एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं जिसमें माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और नीचे आपका टू ए हो जाएगा ठीक है और दूसरा रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस बी uh, उसके बाद माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेर यहां पे जो ये प्लस का लिया था बच्चे अगले में माइनस कर लेते हैं बस इतना ही डिफरेंस होता है माइनस फोर ए सी और आपके पास ये टू ए होता है ठीक है ये हो गया अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू रख दोगे तो जो आपके पास इक्वेशन थी बच्चों अब ये प्रीवियस अब यहां पे देखो ये जो जर, हमने जो जन, इसकी जनरल फॉर्म जो बनाई थी उसमें ए की वैल्यू हमारे पास ये थ्री आ रही है यहाँ पे ये देखो ए की वैल्यू थ्री आ रही है बी की वैल्यू माइनस टू आ रही है और सी की वैल्यू हमारे पास फोर्टी टू आ रही है ठीक है ए की वैल्यू थ्री टू और माइनस फोर्टी टू तो जैसे ये थ्री टू यहां मैं दोबारा लिख देता हूं ए की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू आपके पास टू और टू कौन सा माइनस टू है और सी की वैल्यू आपके पास फोर्टी टू वो भी माइनस में ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ये सही लिखा है ये गलत लिखा है ठीक है तो ये देखो थ्री ठीक है माइनस टू ये भी ठीक है और माइनस फोर्टी टू ठीक है ये भी ठीक है तो अभी इस इक्वेशन में से वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकाल लो तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू है माइनस टू और माइनस टू माइनस बी है और बी की वैल्यू भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो हो जाएगा हो गया अंडर रूट लगा करके अब अब बी स्क् टू का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा उसके बाद माइनस फोर ए सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास थ्री है और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर्टी टू है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए फोर्टी टू फोर मल्टीप्लाई बाय ये फोर मल्टीप्लाई बाय ए ए की वैल्यू मेरे पास थ्री है और बी की वैल्यू जो माइनस फोर्टी टू थी बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये मल्टीप्लाई में फोर्टी टू हो जाएगा ठीक है और डिवाइड बाय टू ए और टू ए की वैल्यू यानी कि टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ए की वैल्यू थ्री है ये नीचे सिक्स आ गया तो फर्स्ट रूट जो होगा इसका यह आ जाएगा और सेकंड रूट की बात करें बच्चों तो सेकंड रूट है इसका माइनस बी माइनस बी का मतलब है ये थ्री uh, ये क्या नाम है थ्री ये जो आपके पास माइनस टू है माइनस टू और ये माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा अंडर द रूट अच्छा उसके बाद ये जो बी स्क्वायर है बी स्क्वायर का मतलब ये है कि भाई ये माइनस टू का स्क्वायर यानी कि प्लस फोर हो जाएगा ठीक है अच्छा ये माइनस और ये जो आपके पास 42 के साथ जो माइनस है ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे ठीक है अब फोर ए सी ए की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू आपके पास थ्री है सी की वैल्यू आपके पास फोर्टी टू है ठीक है ये हो गया और ये पूरा कंप्लीट डिवाइड बाई टू ए की वैल्यू क्या है थ्री है टू और थ्री को मल्टीप्लाई करोगे सिक्स आ जाएगा बस अब इसको क्या करना है हमें सिंप्लीफाई कर लेना है अपना रिजल्ट निकाल लेना है तो प्लस टू लिखने की जगह जो प्लस लिख साइन लिखने की जरूरत नहीं बस टू लिख देता हूं और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे यानी कि ये फोर मल्टीप्लाई बाई ये जो पूरा सम जो है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसको एक बार मल्टीप्लाई करो फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व को ट्वेल्व uh, को फोर्टी टू से मल्टीप्लाई करो मुझे भी बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों ठीक है ट्वेल्व को फोर्टी टू को मल्टीप्लाई करो बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है ठीक है लाइव चैट में जल्दी से बताओ ट्वेल्व को और uh, ये देखो ये जो फोर है, 3 है 12 12 और थ्री है ट्वेल्व हो गए ट्वेल्व और फोर्टी टू को रिजल्ट बताओ बच्चों क्या है मल्टीप्लाई करके बच्चे मल्टीप्लाई करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है ट्वेल्व और ट्वेल्व और क्या नाम है फोर्टी को मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ भाई क्या रिजल्ट आ रहा है तो यहां पे ये यह जो आपके पास प्लस फोर है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई फोर्टी हो जाएगा ठीक है ये हो गया और डिवाइड में आपके पास सिक्स हो गया ठीक है यहां पे पॉजिटिव में है और नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट जो रूट होगा हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा यानी कि टू माइनस माइनस हो गया आपके पास रूट अंडर और ये आपके पास फो फोर प्लस फोर uh, प्लस और ये ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फोर्टी टू है ठीक uh, है और डिवाइड बाई सिक्स ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो रिजल्ट बताओ क्या रहा है ट्वेल्व को फोर्टी टू से मल्टीप्लाई करना है बच्चे रिजल्ट सेवेंटी टू नहीं आता मल्टीप्लाई करना है कैसे कर रहे हो भाई मल्टीप्लाई फोर्टी टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो भाई ये सेवेंटी टू थोड़ी आएगा कैलकुलेशन ठीक से करो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है भाई फोर्टी टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना सेवेंटी टू थोड़ी आएगा हम्म बताओ बच्चों क्या रहा है रिजल्ट ट्वेल्व मल्टीप्लाई आंसर आ गया हाँ, सर ये अच्छा अब मैं पे करता हूँ क्या करना है वैल्यू है ठीक है दो रूट बनेंगे इसके जो फर्स्ट रूट की बात करें तो आपके पास ये टू हो गया उसके बाद ये प्लस और बाकी देखना पड़ेगा भाई पूरा क्या है तो ये है आपके पास यहां से तो ये फोर आ गया और यहां से फोर हंड्रेड सॉरी फाइव हंड्रेड फोर आया ठीक है तो ये फाइव हंड्रेड फोर ये वाला ठीक है फाइव हंड्रेड फोर और ये जो फोर है इन दोनों को जो प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आएगा फाइव हंड्रेड एट आएगा ठीक है फाइव हंड्रेड एट आ, आ, आ रहा है तो ठीक है भाई हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में फाइव हंड्रेड एट लिख लूंगा मैं ठीक है ये आपके पास पूरा सॉल्व हो गया फाइव हंड्रेड एट आ रहा है और डिवाइड बाई ये जो डिवाइड बाई नीचे जो जो वैल्यू है हमारे पास वो सिक्स है तो इसे एज इट इज सिक्स लूंगा अच्छा उसके बाद अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ऐसे बीस वाले के पार्ट की बात करूं तो भाई कुछ इस टाइप से हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया क्योंकि 508 जो है बच्चों हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें यहीं तक छोड़ दूंगा ठीक है क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर होता तो इसका हम रूट निकाल लेते अदरवाइज सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फैक्ट्राइज करके आप लोग सिंप्लीफाई भी इसे कर सकते हो लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं इसको क्योंकि ये 508 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं अच्छा दूसरा जो होगा दूसरा रूट की अगर बात करें बच्चों तो ये आपके पास टू हो गया और ये माइनस में हो जाएगा बस इतना डिफरेंस है उधर प्लस में था और इस वाले में क्या होगा हमारे पास माइनस में आ जाएगा ये अब बाकी जो आपने कैलकुलेशन करी है कैलकुलेशन एज इट इज वही रहेगी कि भाई ये आपके पास फाइव आ गया और ये डिवाइड बाय सिक्स हो जाएगा ठीक है तो बस यहीं तक छोड़ दोगे आगे करने की जरूरत नहीं है अगर ये परफेक्ट स्क्ता है लेकिन नहीं है तो बस हमारा आंसर यही रहेगा तो ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और बच्चा क्या पूछ रहा है किसी और की डाउट लेते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को लेवल का नहीं है थोड़ा हाइयर लेवल का था आ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन पूछा है वट इज द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस इसको सिंप्लीफाई करना है ठीक है चलो देखते हैं भाई सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है तो ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं क्वेश्चन है आपके सामने ये ट्वेंटी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर है सिंप्लीफाई करके ट्वेंटी एट ए प्लस थर्टीन बी ठीक है ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद इसमें बोला है सर इसको माइनस करना है ट्वेंटी वन ए माइनस एक बार बच्चे बता दो क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने अगर ठीक लिखा है तो एक बार यस लिख दो क्वेश्चन ठीक है ना ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो पूछा यही है ट्वेंटी एट ए प्लस थर्टीन बी और उसके बाद माइनस ट्वेंटी वन और माइनस सिक्स बी क्वेश्चन यही है आवाज आ रही है भाई मेरी भी? बताओ बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो एक बार यस टाइप कर दो हाँ सर क्वेश्चन ठीक है और उसके बाद मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ ठीक है तो इसमें क्या होता है बच्चों जब इस टाइप की टर्म आपके पास आ जाती है क्वेश्चन में इस टाइप की टर्म आ जाती है तो तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चों ठीक है तो उसके लिए क्या करना होता है सबसे पहले जो भी सिमिलर टर्म होते हैं उसको एक साथ लिख दो और जो ए, अलग अलग हैं उनको अलग अलग कर दो ठीक है तो जैसे अब ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट को पहले सबसे पहले ओपन करते हैं तो जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये क्या आपके पास ट्वेंटी एट हो जाएगा ट्वेंटी एट उसके बाद ये क्या है थर्टीन बी थर्टीन बी हो गया अच्छा अब यहां से देखो यहां से मिस्टेक होने के चांसेस है वो ये कि जब भी आपके पास माइनस का साइन किसी भी ब्रैकेट के बाहर हो ठीक है किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो वो क्या करता है अंदर जितने भी साइन होते हैं बच्चों उन सबके साइन ये चेंज कर देता है सपोज यहां पे प्लस साइन है जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस हो जाएगा अब ये माइनस का साइन है तो ये जो माइनस वाला साइन दिख रहा है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको अंदर तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन इट मीन ये आपको याद रखना है कि वेन एवर यू गेट द माइनस साइन माइनस जो ये साइन है अगर आपको बाहर मिल जाता है तो अंदर वाले जितने भी साइन होंगे उनके साइन चेंज करना है ठीक है अब देखो 28A यहां पे पॉजिटिव साइन में है, और जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ठीक तो है, है तो ये चीजें ध्यान रखनी है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा A वाले एक साथ कर लेता हूँ बी वाले एक साथ कर लेता हूं। तो ये ट्वेंटी एट ए हो गया और माइनस टू ए मैंने क्या किया ए वाले को एक साथ लिख दिया अब जो बी वाला है थर्टीन बी प्लस सिक्स बी ठीक है प्लस सिक्स बी इसे एक साथ कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट है बच्चों अब ये रिजल्ट आ जाएगा ये ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी वन माइनस करोगे तो सेवन ए आ जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद ये थर्टीन में सिक्स एड कर दोगे थर्टीन uh, में सिक्स एड करोगे तो आपके पास ये नाइनटीन बी हो जाएगा और यही हमारा रिजल्ट आ गया ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा कमेंट करके बताओ भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर हुआ बहुत इजी सा क्वेश्चन था इसमें सिंप्लीफाई करना था इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में से लेके आना था तो आई होप क्लियर हो गया होगा चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा उसके बाद भी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किसने टाइप किए हैं बच्चे टाइप करो क्वेश्चन टाइप करो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है अच्छा श्रेयास ने एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया फोर बाई फाइव फोर बाय फाइव जीरो बाय टू ये इसको क्या करना है ये बताया नहीं इसने बस ये प्लस करके लिख दिया है यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन प्रॉपर लिखो फिर मुझे पता लगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करो ठीक है क्लियर हो गया तो चलो मेरी तरफ से क्वेश्चन है चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे रिजल्ट बताने क्या रहा है ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आ, मैं दे रहा हूं यहाँ पे वन फोर फोर बी ठीक है माइनस वन सिक्स फोर ए ठीक है उसके बाद मैं एक और टर्म दे देता हूं सी वाला भी टर्म दे देता हूँ सिक्सटी c सी दे दिया ठीक है ये एक ब्रैकेट में है। और इसके अलावा नेक्स्ट दे रहा हूं बच्चों वन टू फोर ए प्लस थ्री फोर सिक्स बी माइनस ट्वेंटी फोर सी ठीक है अब इसे सिंप्लीफाई करो और रिजल्ट बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करो और रिजल्ट बताओ बच्चों क्या आ रहा है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और फटाफट -फड़ मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपका आंसर क्या रहा है ठीक है जल्दी से कमेंट करो बताओ क्या रिजल्ट आ रहे सॉल्व करो और कमेंट करो कि भाई आपका रिजल्ट क्या रहा है? ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ गया होगा ठीक है बच्चे ये एक बार इसका सोल्यूशन दो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ठीक है क्वेश्चन uh, आ गया मेरे पास मैं देख पा रहा हूं कि अरुण वांट्स टू बाय अ शॉप ठीक है वही करेंगे नेक्स्ट लेकिन पहले ये सिंपलीफाई करके बताओ कि भाई आपको समझ में आया नहीं मुझे पता लग सके तो एक बार बच्चे इसको सॉल्व करो क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे ये जो स्क्रीन पर है आपके है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करके बताओ भी, क्या रिजल्ट आ रहा है मैं आप लोगों का रिजल्ट का वेट कर रहा हूं कि क्या रिजल्ट आ रहा है ठीक है जल्दी सॉल्व करो इजी है ना मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करना है उसके बाद जो भी प्लस माइनस जो होता है उसको करो और उसके बाद रिजल्ट बता दो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ठीक है एक ने कहा ओके सर बाकी लोग बता नहीं रहे भाई कि ओके भी नहीं लिख रहे हैं आ... हाँ जी बच्चे जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आ रहे हैं <coughs> अच्छा बेटा जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको तो सॉल्व करो उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा क्वेश्चन इज फ्रॉम द बेस्ट ठीक है वो तो सॉल्व कर दूंगा मैं पहले बच्चे ये जो स्क्रीन पर है ये जो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया उसके बाद उसे कमेंट करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है किसी ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक भाई इतना डिफिकल्ट नहीं है इजी क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई आप लोग कर सकते solve, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बच्चों इसमें आप लोगों ने क्या कर है? करना है सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करना है ये जो का साइन दिख रहा है इसको भाई ओपन करना है इन दोनों को उसके बाद ए और बी ए ए के साथ बी बी के साथ CC के साथ करोगे सॉल्व तो हो जाएगा अगर डिफिकल्ट है तो चलो मैं करवाता हूं किसी को अगर टफ लग रहा है तो वो भी बताओ अगर नहीं सॉल्व हो, हो पा रहा है बच्चों तो बताओ जल्दी फिर मैं करवाऊंगा नहीं तो कर पाओगे यस या नो तो लिखो बच्चों अगर कर पाओगे तो यस लिखो नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं मैं फिर सॉल्व करके बताता हूँ टाइम लग रहा है भाई टाइम ज्यादा ले रहे हो सॉल्व करने के लिए न, यस या नो लिखो भाई अच्छा एक बच्चे का रिजल्ट आ गया गुड गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बच्चे ने रिजल्ट भी बता दिया सर मेरा आंसर ये आ रहा है ठीक है बाकी देखते भैया आंसर सही है गलत है सर आ, देखते हैं ठीक है एक बच्चे ने रिज़ल्ट बताया सर गुड कि सर ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ठीक है बाकी बच्चे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है कुणाल रिप्लाई करो भी क्या आंसर आ रहा है ऋषभ रिप्लाई करो ठीक है बाकी सारे बच्चे रिप्लाई करो क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चे ठीक है सक्षम ने ज्वाइन किया है ना आज अभी सक्षम रिप्लाई करो तुम्हारी क्लास से ही है क्वेश्चन नहीं ज्वाइन किया गया आज तो किस किसने ज्वाइन किया अपना नाम लिख के बताओ भी मुझे ताकि मैं बता वो देख सकूं कौन कौन बच्चे किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया अपना नाम जरूर लिखना और सिटी का नाम भी लिखना अच्छा ठीक है मैं अब देख लेते हैं भाई ये जो आंसर आप लोगों ने टाइप किया है बच्चों ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है इसको सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है तो मैं ऐसे करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ ठीक है देखो भाई बच्चों जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास वन ठीक है और इधर ये जो माइनस आपके पास 164 ए उसके बाद ये आपके पास 64 सी ठीक है ये तो प्लस वाले हो गए और ये जो आपके पास माइनस का साइन है जब इसे ब्रैकेट ओपन करोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपके पास माइनस वन ए हो जाएगा और ये जो प्लस में है आपके पास ये भी माइनस हो जाएगा माइनस थ्री फोर सिक्स बी हो जाएगा और ये जो माइनस में दिख रहा था आपको अब इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और फोर सी हो जाएगा ठीक है यही है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा B B C C तो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ यानी कि ये आपके पास माइनस क्या नाम है सबसे पहले पॉजिटिव ब, आ, चलो बड़े वाले को ले लेते बड़ा मुझे यहां वन ट्वेंटी फोर दिख रहा है इसलिए माइनस वाले को मैंने पहले लिख लिया वन ट्वेंटी फोर ए और ये प्लस दोनों ही माइनस के ही है, कोई सा भी पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता चलो कोई बात नहीं पहले मैंने ये वाला ले लिया उसके बाद आगे पीछे लिख सकते सबसे पहले आपके पास ये 144 फोर्टी बी है यहां पर और एक और बी वाला टर्म ये माइनस थ्री फोर सिक्स बी हो गया अच्छा अब जो बच गया सी वाले जो बच गए उसे लिख लेते हैं तो ये आपके पास ये 64 और इधर आपके 64c और उसके बाद 24c ठीक है ये हो गया अब देखो बच्चे दोनों साइन माइनस के हैं इट मीनस ये तो कंफर्म हो गया कि जब दोनों साइन माइनस के होते हैं करना प्लस होता है साइन हम लोग माइनस का लगाते हैं तो इन दोनों को जो प्लस करोगे वन को और वन को तो आपके पास फोर फोर एट हो गया ठीक है सिक्स और टू को एट करो ये भी एट हो गया और ये वन और वन क्या हो गया टू हो गया यानी कि माइनस टू हंड्रेड एटी एट ए आ गया ठीक है

ये जीरो आ गया और इसे सॉल्व करोगे तो आपके टू टू तो टू टू अच्छा, पास तो तो रिजल्ट आएगा आ, फोर, फोर, एट हो गया, और सिक्स और टू को एड करोगे ये भी एट हो गया ठीक है तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस टू हंड्रेड एटी एट माइनस टू हंड्रेड टू बी और फिर उसके बाद प्लस में एटी एट आ गया सी अच्छा अब आ, मिला लेते हैं भी आप लोगों का जो रिजल्ट है उस हिसाब से आया कि नहीं आया मैथिली गड़बड़ हो गया बच्चे थोड़ा सा है ना आ, ए वाला तो ठीक हो गया बी वाले में गड़बड़ हो गई बी वाला टू हंड्रेड टू आ रहा था तो माइनस टू हंड्रेड टू आ रहा था सी ठीक है थोड़ा सा ठीक है सी वाला ठीक है और ये किसने श्रियांस का देख रहा हूँ मैं अच्छा तो बच्चों देख लो किस तरह से सॉल्व किया है इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा चलो ठीक है फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ आई वॉच ऑल योर वीडियो सर ठीक है वेरी गुड अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो रिविजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये मुझे एक बार बता दो बच्चों अगर क्लियर हुआ तो यस लिखो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चों नो लिखो एक बार क्वेश्चन क्लियर हो गया एक बार बताओ टाइप करो भाई यस या नो बोलो अगर क्लियर हो गया तो यस लिखो नहीं हुआ तो भाई फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे आ, किसी बच्चे ने बताया नहीं मुझे कि यस या नो भी नहीं लिख रहे हो क्वेश्चन क्लियर हुआ इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई फटाफट बताना है ये सर क्लियर हो गया या नहीं हुआ आ, ये तो बहुत सिंपल सा रिप्लाई करना यस yes सर या नो no सर अच्छा दो बच्चों ने बोल दिया यस सर क्लियर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बाकी बच्चे भी टाइप करोगे या नहीं क्लियर हुआ तो नो no भी लिख सकते हो सर नहीं क्लियर हुआ दोबारा बता दो तो मैं दोबारा भी बताऊंगा ठीक है तो आप लोग बताया करो कि यस yes या नो no तो बताया करो अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था आ, अच्छा ठीक है अरुण वांट्स टू बाय ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है ये, ये आपके चैट बॉक्स में ही है लाइव चैट में है बच्चों तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर भी लिख देता हूं क्वेश्चन ये अरुण वांट्स टू बाय अ शॉप ही ही हैज हैज फाइव रुपी टू वन क्या लिखना चाह रहे हो भाई टू वन रुपी कॉइन अच्छा टू वन रूपी कॉइन टू वन रुपी कॉइन वन क्या क्या लिखते हो भाई को ना कोई कोमा लगा रहे हो कहीं पर क्वेश्चन जब लिखते हो बच्चे कोमा वगैरह देखा करो क्या लिखना हो, लगाना होता है अरुण वॉन्स टू बाय अ शॉप ही हैज फाइव फाइव टू कॉइंसू वन रुपी कोइन टू वन रुपी कोइन एंड हाफ हाफ रुपी हाफ रुपी कोइन राइट द रुपी मनी ही हैज गॉट बैक क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई तुमने क्वेश्चन ही प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना है उसका कॉस्ट कितना है कॉस्ट भी नहीं लिखा है ठीक है बच्चे इसमें कॉस्ट नहीं लिखा है कि कॉस्ट कितना है शॉप का प्राइस भी नहीं बताया है मुझे शॉप का प्राइस बताऊं और उसके बाद ये कॉस्ट कितना है ये भी नहीं लिखा है बस ऐसे उठपटंग तरीके से ऐसे नहीं होता बच्चे क्वेश्चन जब लिखते हो ना प्रॉपर क्वेश्चन लिखा करो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे करके एक क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ क्वेश्चन इसको सिंपलीफाई करके हमें आंसर बताना है ठीक है तो ये आपके पास टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई फोर उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स फिर ब्रैकेट ओपन है फोर फोर के बाद फिर से फोर uh, है फिर मल्टीप्लाई बाई सिक्स है फिर डिवाइड बाई टू है फिर उसके बाद फाइनली लास्ट में है नाइन uh, से ऐड करना है ये क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा बच्चों हमें एक बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने लग जाओगे तो आंसर गलत आएगा ठीक है तो पहले बोर्ड मास रूल समझ लो उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों ये ब्रैकेट ओपन करना होता है उसके बाद जो भी ऑपरेशन होता है और फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि अगर डिवीजन 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 है है तो कर लेंगे फिर के बाद ये जो ये जो एम आ रहा आपके पास मल्टीप्लीकेशन करना होता है उसके बाद आप एडिशन करोगे और सबसे लास्ट में एस यानी कि सब करोगे ठीक है इस क्वेश्चन में जैसे मैं देख पा रहा हूं ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद डिवीजन है बिल्कुल डिवीजन है तो डिवीजन करूंगा

और मैंने बोला आपको कि डिवाइड पहले करूंगा तो जब आप इसको डिवाइड करोगे को टू से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ आ आ जाएगा जाएगा ठीक ठीक है है ये ये गया और ये प्लस एज इट इज लिख लोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और किस में ब्रेकेट के अंदर वाला पहले करेंगे बाकी चीजों को बाद में करेंगे तो मैं एज इट इज रहने देता हूं टू मल्टीप्लाई सिक्स एज इट इज रहने दिया फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट भाई बहुत आसानी से ट्वेल्व आ सकते हो और उसके बाद लास्ट में जो प्लस है एज इट इज रहने दो अच्छा अभी भी रूल यही है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई बाद में तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे प्लस दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा उसके बाद बाकी चीजें सॉल्व करूंगा ठीक है <coughs> तो जब इसे सॉल्व करूंगा बच्चों तो आपके पास ये सिक्सटीन आ जाएगा और ये आपके पास प्लस नाइन हो गया ठीक है <coughs> तो देखो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया हमारे पास आ रहा है तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये 12 आ गया ब्रैकेट का मतलब ही होता है बच्चों तो मल्टीप्लाई सॉरी plus... ये आपके पास ये आ गया ठीक है अब इसमें क्या करोगे ट्वेल्व और सिक्सटीन को मल्टीप्लाई करो और उसमें जो भी रिजल्ट आए नाइन एड कर दो चलो मुझे भी बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का ठीक है बच्चों अच्छा ठीक है वन हंड्रेड वन आंसर होगा एक बच्चे ने आंसर बताया सर वन हंड्रेड वन होगा ठीक है बाकी बच्चे बताओ भी क्या रिजल्ट होगा क्या ये वन हंड्रेड वन ही है या कुछ और है ठीक है बच्चे ये नाइन एड करो, करो बताओ रिजल्ट क्या होगा छोटी हल्की सी मल्टीप्लीकेशन है इसके अंदर मल्टीप्लाई करो और उसके बाद अपना आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है मैं आप लोगों के आंसर का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ कि भी क्या रिजल्ट होगा ट्वेल्व को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करना है तो जो भी रिजल्ट आया उसमें नाइन ऐड कर दोगे बच्चों ठीक है चलो करो भाई बताओ क्या आ रहा है ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन बताओ क्या हो रहा है उसके बाद उसमें नाइन एड बच्चों फटाफट बताओ बहुत ईजी था क्वेश्चन है कोई टफ नहीं है इसके अंदर सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है इसके अंदर 101 नहीं आएगा बच्चे मिस्टेक है और कुछ ढंग से सॉल्व करो इसको 101 नहीं आएगा ज़्यादा कम वैल्यू बता दी तुमने बच्चे सॉल्व करो बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका हाँ जी बच्चे अभी किसी का भी आंसर नहीं आया मेरे पास मैं वेट कर रहा हूँ अभी ये ट्वेल्व और अच्छा कुछ बच्चों ने रिजल्ट बता दिया कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है ठीक है देखते हैं इसका आंसर सही है कुछ बच्चों ने टू हंड्रेड वन बताया टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड वन हाँ बिल्कुल सही है टू हंड वन ही आएगा तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया ट्वेल्व को और सिक्सटीन को मल्टी ट्वेल्व और सिक्सटीन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वन नाइनटी टू आ गया ठीक है वन नाइनटी सॉरी वन नाइन्टी टू में आपने जब नाइन ऐड कर दोगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा 200, 1 आ वेरी वेरी गुड कुछ बच्चे बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो यही आपका आंसर आ गया वन नाइन्टी टू यहाँ से आ गया और नाइन यहाँ से ऐड कर लोगे

एक मिनट एक मिनट ये डिवाइड बाय फाइव है और माइनस वन है ठीक है लास्ट में माइनस वन है ठीक है चलो करो इसे कॉल करो और बताओ सॉल्व करो सॉल्व uh, करो बच्चों से ठीक है और मुझे भी बताओ आपका रिजल्ट क्या रहा है बहुत इजी सी कैलकुलेशन है कि फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री है देन वन फिफ्टी प्लस उसके बाद है फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव है डिवाइड बाई फाइव है बच्चों ब्रैकेट के अंदर और फिर लास्ट में माइनस वन है ब्रैकेट के बाहर माइनस वन भी है ठीक है चलो इसको सॉल्व करो बताओ क्या रिजल्ट आते हैं देखेंगे आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है आप लोग कितनी स्पीड से सॉल्व कर रहे हो रूल आपको बोर्ड मास्क का ही यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना है ठीक है कर लोगे बहुत है क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन करना है इसके अंदर ठीक है करो जल्दी बच्चों ठीक है ठीक है कर लो ठीक है वेरी गुड कुछ बच्चे कर रहे हैं ओके okay, सर हम लोग कर सकते हैं ठीक है कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है जल्दी से करो और रिजल्ट बताओ क्या रहे? आ रहा है फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री देन ब्रैकेट ओपन वन फिफ्टी प्लस फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाई द माइनस वन माइनस वन पे बाद लास्ट में आपको यानी कि वन माइनस करना है लास्ट में ठीक है करो भी और बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है या आपकी प्रैक्टिस के लिए है ठीक है जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा किसी का कमेंट आया नहीं भाई सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा स्पीड में करो बच्चों थोड़ा स्पीड में करो और बताओ क्या रिजल्ट आ रहे क्वेश्चन इजी है टफ नहीं है वन नाइन वन नाइन ठीक है एक बच्चे ने बताया सर वन नाइन वन नाइन रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है बाकी बच्चे बताओ क्या है अच्छा वन नाइन देखते हैं अब बिना कैलकुलेशन किया तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा तो मुझे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लगता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ऐसी अट्रेंडम है मैंने अपनी मर्जी से ऐसी कुछ टाइप कर दिया लिख दिया आप लोगों के लिए आ, देखते हैं बाकी बच्चे क्या रिजल्ट बता रहे हो क्या ये रिजल्ट आ रहा है सबका या कुछ और आ रहा है बताओ भी एक बच्चे ने रिजल्ट बता दिया सर मेरा आंसर तो ये आ रहा है बाकी तो सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या रिजल्ट आ रहे हैं तो आप लोग अगर चाहते हो बच्चों की मैं सॉल्व करूँ तो भाई मैं ही कर देता हूँ सॉल्व बाकी बच्चों ने अभी तक अच्छा कुछ बच्चे ने बोला थ्री वन जीरो सेवन अरे भाई आंसर अलग अलग नहीं आएंगे अलग अलग आने का मतलब ये है कि भाई किसी ना किसी कोई ना कोई बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है तो फोर थ्री को मल्टीप्लाई ये जो है आपके पास बाहर है तो ये तो ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है इसको बाहर रहने देता हूँ और अंदर इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो वन को वन एज इट इज़ रहने दिया मैंने और ये जो आपके पास वन ये फोर फाइव से डिवाइड करोगे तो इसे ऐसा करो डिवाइड कर ही लो भाई ठीक है इसे डिवाइड कर लो ताकि आपके पास एक एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए जो कि हम लोग यहाँ लिख सके तो फाइव वन जा फाइव ये सॉल्व हो गया ठीक है उसके बाद ये जो फोर है फोर डिवाइड नहीं होगा बच्चों ठीक है तो जीरो लगा लोगे उसके बाद ये फाइव लियाओगे तो आपके पास बोल सकते हो कि फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव यानी कि वन हंड्रेड नाइन आ गया ठीक है तो इसके बाद वन हंड्रेड नाइन मैंने यहां लिख दिया कैसे किया ये आप लोग डिवीजन देख सकते हो और उसके बाद माइनस वन किया था ठीक है अब ये ट्वेल्व बाहर होने का मतलब ट्वेल्व मल्टीप्लाई होगा बाद में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में हमें क्या करना है इन दोनों को प्लस करना है तो ये नाइन हो गया ये फाइव हो गया ये टू हो गया ठीक है और ये माइनस वन अब हमें क्या करना है ट्वेल्व से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट क्या आएगा तो आप लोगों ने शायद मल्टीप्लीकेशन किया होगा अब मैं भी कर लेता हूं 259 को 12 से मल्टीप्लाई ठीक है ये थोड़ा सा कर, करना पड़ेगा भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा तो जब आप लोग इसे को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कोई बच्चा अगर कर चुका है तो बताओ भाई क्या रिजल्ट आया था आप लोगों का जब आपने 12 को मल्टीप्लाई किया था 259 से तो बच्चों ये समथिंग कुछ आपके पास ये थ्री आ, आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसमें मैंने बोला कि भाई माइनस वन कर दो ठीक है कर दो भाई माइनस वन जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है बच्चों तो इसका मतलब समझ लेना कि ये मल्टीप्लाई होगा ठीक तो है तो मैंने यहाँ सिंपली क्या किया टू फिफ्टी नाइन को और ट्वेल्व को भाई मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टू फिफ्टी नाइन ट्वेल्व मल्टीप्लाई करोगे थ्री वन जीरो एट आएगा माइनस वन करोगे तो भाई आपके पास ये समझ गए होगे क्या आंसर आपके पास क्या आएगा थ्री वन जीरो सेवन आया देखते हैं कितने बच्चों ने सही रिप्लाई किया है तो भाई एक बच्चे ने ये आंसर किया बाकी बच्चे ने कुछ अलग अलग आंसर किया है तो बच्चों देखो सबके आंसर तो सही नहीं है कुछ एक बच्चे का ही आंसर करेक्ट है बाकी बच्चे तो थो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो देख लो बच्चों कहां मिस्टेक करी थी, थी आप लोगों ने वन एज इट इज था ठीक है पहले आप लोग को डिवाइड करना था तो डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट अगर वन आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है और ये जो फोर थ्री हजार है बच्चों इसलिए यहां पर हो गया ठीक है जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये प्लस का आएगा इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये आ रहा है बहुत सिंपल सा था भाई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी ठीक है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास थ्री वन जीरो एट आ गया था ठीक है एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन करने में तो इसलिए दोबारा समझ लो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट यह आया माइनस वन करोगे तो थ्री वन जीरो सेवन इज द करेक्ट आंसर ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों ने गलती की होगी गलती पता लग गई होगी कि किस स्टेप में आप लोगों ने मिस्टेक की थी अच्छा ठीक है भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ Uh, इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम uh, ये टू फोर वाला तो कर लिया हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट 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 क्वेश्चन भाई क्वेश्चन जिसका पूरा होगा उसी का क्वेश्चन लूंगा अगर बीच में अधूरे क्वेश्चन दोगे स्टेटमेंट uh, पूरा नहीं दोगे तो क्वेश्चन नहीं लूंगा भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं कुछ स्टेटमेंट में से कुछ हाइड कर लेते हैं भाई पहली मत रखो भाई क्वेश्चन रखो ठीक है छिपा लोगे स्टेटमेंट नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ अच्छा एक क्वेश्चन और है सर माई इक्वेशन इज टू प्लस टू प्लस एट माइनस अच्छा माइनस लगा दिया सिक्सटी अच्छा मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं बच्चों बोर्ड मार्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आप लोग भी सॉल्व करो मुझसे पहले सॉल्व करो क्योंकि अब आप, आप लोग स्मार्ट हो गए हो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो मुझे यह लगता है ठीक है तो बच्चे स्मार्ट बच्चे जल्दी सॉल्व करना मुझसे भी पहले और मुझे भी बताना क्या आंसर आ रहा है मैं भी सॉल्व करूंगा पर मैं चाहता हूं मुझसे पहले आप लोग आंसर करो तो ये क्वेश्चन है टू प्लस अब एट अब देखो यहां पे माइनस है बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई मत कर देना उसके बाद ये आपके पास के, के लिए बोला जा रहा है ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है सॉल्व करो इसे ठीक है और बताओ भी क्या रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का ठीक है मुझसे पहले रिप्लाई करो बच्चों बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे पहले आंसर करोगे तो मैं थोड़ा सा स्लो ही करूंगा समझाने के लिए ठीक है तो ये जो आपके पास ये आ, जो बच्चों ये इक्वेशन है तो जैसे बोर्ड मार्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग ही इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं बच्चे एक बार क्वेश्चन चेक कर लो क्वेश्चन ठीक है वैष्णवी तो बताओ अगर क्वेश्चन ठीक लिखा गया है तो यस लिख दो अगर कहीं लगता है सर क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हुई है तो वो भी बोल सकते हो ठीक है क्वेश्चन एक बार बताओ बच्चे बिल्कुल करेक्ट है ना स्क्रीन पर जो आ रहा है बाकी बच्चे सॉल्व करो बताओ भी क्या आंसर होगा तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगा तो ये जो आपके पास बाहर है इसको सिंपली अगर करूंगा तो ये तो आपके पास टेन हो गया ठीक है माइनस का साइन छोड़ देते हैं और यहां पे डिवाइड पहले करेंगे तो जब आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा यानी कि मैं अगर क्वेश्चन देखो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई फोर है ठीक है कुछ इस टाइप से ये डिवाइड में है और डिवाइड ये ये कुछ इस इसकी जो सकल बन जाएगी कुछ इस टाइप की बन जाएगी बच्चों ठीक है अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख लो कि ये जो आ, आपके पास एक मिनट अरे कुछ तो ज्यादा ही हो गया हाँ। तो ये 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 आपके पास ये कुछ बाई ये टू है ये कुछ इस शेप में ये क्वेश्चन है बच्चों ठीक है और फोर्टी एट है तो फोर्टी एट रहने देंगे अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि डिवाइड पहले करोगे तो सिक्स को और फोर को अगर इन दोनों को डिवाइड करो टू के टेबल से ये टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा अच्छा फर्दर और भी हो सकता है टू वन या टू हो जाएगा और इसको सिम्प्लीफाई करोगे ये थ्री आ जाएगा ये वन आ जाएगा ठीक है अब मुझे नहीं लगता कोई डिवाइड होने वाला है तो यही रहने देते हैं तो ये आपके पास माइनस माइनस टेन है और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ठीक है जब इसे करोगे तो ये थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई टू हो गया और नीचे डिवाइड में थ्री हो गया ठीक है ये थ्री है बच्चों और ये लास्ट में फोर्टी एट है अच्छा अब जब इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही एज इट इज फिर से वही आ जाएगा आ, जो आपके पास था यानी कि 62 टू ही आ जाएगा चलो कोई बात नहीं तो ये माइनस का साइन लगाया मैंने 62 टू बाई थ्री लिख दिया और इसके बाद ये 48 आ गया अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों ये तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ठीक है और ये दोनों कंप्लीट नंबर हैं तो हमें क्या करना होगा कि जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वन लगा लेते हैं हम लोग इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या करेंगे वन लगा लेंगे इसके नीचे ठीक है वन वन लगा लिया अब इन सब का अगर एल्सियम निकालोगे बच्चों थ्री का वन का वन का तो सबका एल्सियम क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा आ गया थ्री को वन से डिवाइड करोगे तो आपके पास थ्री आ जाएगा यानी कि अब आप क्या करना है टेन को और थ्री को मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है एल्सियम की वजह से अब थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे एल्सियम को थ्री से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा वन आएगा तो यानी कि सिक्सटी टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद यहां पे भी वन है वन से डिवाइड करोगे थ्री को तो थ्री आएगा और उसके बाद फोर्टी एटी एट से थ्री को मल्टीप्लाई कर लोगे फोर्टी एट है इसको ठीक कर लेते हैं फोर्टी को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करो और आपके पास आंसर आ जाएगा तो जब टेन को थ्री से करोगे थर्टी हो गया सिक्सटी टू को वन से करोगे तो सिक्सटी टू ही रहेगा अच्छा जब फोर्टी एट को थ्री से करोगे बच्चों तो भाई बताओ क्या आएगा तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा आ, फोर देखो मैं इधर सिंपली आपको ना मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई थ्री करोगे थ्री के टेबल्स हो थ्री एट थ्री जा या थ्री एट जाए तो आपके पास ये इसको जो आ, आ, तो आपके पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा यानी कि थ्री एट जहाँ ट्वेंटी फोर होता है ट्वेंटी फोर का मैंने फोर इधर लिख दिया टू इधर लिख दिया अब थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व में टू ऐड कर दोगे ट्वेल्व में टू ऐड करोगे वन फोर्टी फोर हो गया ठीक है तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई इसका वन फोर्टी फोर थ्री डिवाइड में जैसा है उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो अब प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लेता हूं यानी कि ये वन फोर्टी फोर और थर्टी को जब ऐड करोगे बच्चों तो ये सेवेंटी फोर हो जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटी फोर और 62 इसमें माइनस करना है ठीक है भाई वो भी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ नहीं है इस तरह साइड कर लो इसको जब इसमें ये माइनस करोगे तो आपके पास फोर में से सिक्स इस फोर में से टू को माइनस करोगे टू आ जाएगा अब ये जो सेवन में से सिक्स माइनस करोगे तो आपके पास वन आ जाएगा और उसके बाद ये जो वन है एज इट इज़ रहेगा अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो डिवाइड कर लेते हैं मुझे नहीं लगता ये डिवाइड हो पाएगा क्योंकि देख लेते हैं एक बार डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा तो जब ये थ्री के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं अगर डिवाइड हो जाता बच्चों तो डिवाइड भी कर लेते हैं तो देखो मैंने ये सॉल्व कर दिया है बच्चों स्क्रीन स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो देखो ये रिजल्ट मैंने सॉल्व कर वन हंड्रेड ट्वेल्व बाई थ्री आंसर आ रहा है कैसे आ रहा है एक बार देख लो बच्चो वैसे कई बच्चों और बच्चों माइनस में थोड़ी आंसर आएगा माइनस फोर्ट अरे भाई माइनस में नहीं आए आंसर आएगा डेसिमल में नहीं जाते हैं इस सब के क्वेश्चन में डेसिमल में नहीं जाना होता है बच्चों फ्रैक्शन में ही रहने देना होता है मैथली देखो बच्चे कहाँ मिस्टेक हुई है एक बार देखो तुमने आंसर लिखा है वन सेवनटी सिक्स वन वन सेवनटी सिक्स नहीं आ रहा है ये आ रहा है वन हंड्रेड ट्वेल्व आ रहा है कैसे आ रहा है जरा देख लो भाई पहले मैंने इसको सॉल्व किया सिक्सटी टू मल्टीप्लाई बाई फोर था ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास तो कुछ इस शेप में इस ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया सिक्सटी टू डिवाइड बाई थ्री आ गया बस उसके बाद एलसीयम लेकर के जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या था अच्छा अब कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछो क्वेश्चन अदरवाइज क्लास वाइंड अप करूंगा ठीक है एक बच्चे ने आंसर बता दिया सर हमारा भी ये आ रहा है वन हंड्रेड आर ठीक है बच्चे क्वेश्चन कोई बच्चा पूछना चाहता है क्वेश्चन टाइप करो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यानी कि अब आप लोगों की शायद प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन क्लास वाइंड अप करेंगे किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई फटाफट वेट कर रहा हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप करो या कोई डाउट है तो पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करूँ या फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिर अच्छा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था भाई जब भी बच्चे क्लास ओवर करता हूँ लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछ के छोड़ता हूँ तो बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं भाई उसका रिप्लाई भी आप लोगों को करना होता है ठीक है जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे करके जाता हूँ जैसे कल मैंने दो क्वेश्चन दिए उससे पहले भी क्लास में मैं देता हूँ आप लोगों को तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ना उसको कमेंट करना होता है बच्चे बाद में ठीक है और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई ये जो आंसर आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में करोगे तो ये चीज़ करना मत भूला करो क्वेश्चन है तो बोलो अदरवाइज वाइंड अप करें से कोई क्वेश्चन है यस yes या नो no लिखो पहले बच्चे क्वेश्चन है किसी का कोई डाउट है क्वेश्चन है किसी का लगता है नहीं है किसी के पास क्वेश्चन ठीक है फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई ठीक है अच्छा क्वेश्चन आ गया आ, ये लिख रहा है कि सर आ, एक्स माइनस पहले क्वेश्चन में करना क्या क्वेश्चन पूरा लिखो बच्चों सिर्फ इक्वेशन लिख देने से नहीं होगा कि गड़बड़ क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन प्रॉपर टाइप नहीं होता है तुम्हारा क्वेश्चन में करवाना क्या चाह रहे हो ये लिखते नहीं हो जैसे मैं देख रहा हूँ एक्स माइनस ट्वेल्व रेस टू फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री रेस टू इज प्रॉपर्टी एंड प्रोपर्टी एंड प्रोडक्ट ठीक है भाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे चलो देख लो भाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों में तो बच्चों जब भी क्वेश्चन लिखते हो तो उसको ना प्रॉपर तरीके से लिखा करो अगर कोई भी स्टेप मिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता अब क्वेश्चन को जब रीड करते हो बुक में तो थोड़ा ठीक से किया करो कोई सिंबल मिस कर दोगे तो फिर आंसर नहीं लिख लेगा तो जैसे अब इसने क्वेश्चन लिखा है ये कि x माइनस ट्वेल्व ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट बनाना था इसने ब्रैकेट नहीं बना रखा यहाँ पे एक मिस्टेक है उसके बाद ये रेशियो है उसके बाद इसने बोला है सर यहाँ पे फिफ्टीन है ओके उसके बाद नेक्स्ट है थ्री रेस टू एक्स ये एक मिनट ये आपके पास जो है ये आपके पास ये थ्री रेस टू है ठीक है थ्री टू एक्स है अरे बार बार वही गलती हो रही है ये लो भाई अब ठीक से लिख लेते हैं तो ये आपके पास थ्री है और उसके बाद ये रेशियो है और रेशियो के बाद इसकी वैल्यू कितनी है नेक्स्ट थ्री इज टू एक्स है ठीक है ये क्वेश्चन है ठीक है अच्छा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अब देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लेकिन इसने बताया नहीं इसने बस ये बोला है कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मार्स का फुल फॉर्म थोड़ा वीडियो को बैक करके देखो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही पीछे करके देखना मिल जाएगा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक है जो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पीछे जा करके देख सकते हो बच्चे अब देखो यहाँ पे ये यह, यह जो आपके पास है इसको जब सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ठीक है तो लो भाई ये ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई ये फिफ्टीन हो जाएगा रेशो का मतलब डिवीजन होता है और ये थ्री बाय एक्स होगा सिर्फ सिम्प्लीफाई करना है आंसर नहीं निकालना है इसके अंदर एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है सिर्फ सिम्प्लीफाई करने के लिए बोला गया है तो बच्चों इसमें क्या करना होता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ठीक है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आपके पास इधर हो जाएगा ये आपके पास एक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा और ये थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन हो थ्री मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन हो जाएगा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अब ये एक्स को अंदर जितने भी हैं उन सब के साथ करोगे तो उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा और इसे करोगे तो बच्चों ये आपके पास फोर्टी फिफ्टीन थ्री जो फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है ये हो गया अब इसने ये बोला कि सर इसको बस एक बार एक सिंपल फॉर्म में बना दीजिए तो सिंपल फॉर्म इसकी यही होगी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर्टी फाइव इजिकल टू तो जीरो देखो ये प्लस में था इधर लाए तो माइनस में हो गया ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप इसको यहां तक छोड़ सकते हो ठीक है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्वाडरेटिक uh, इक्वेशन ही, uh, ही है क्वाडरेटिक इक्वेशन ही ब्रैकेट नहीं है ब्रैकेट बनता है बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये ब्रैकेट बनता ही है ठीक है, तो, uh, है जब इसको सॉल्व करते हैं रेशो को जब सॉल्व करते हैं जब आपके पास टू डिफरेंट चीजें हो जाती हैं एक आपके पास वेरिएबल होता है तो हमें ब्रैकेट बनाना पड़ता है ठीक है जब आपके पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों वैल्यू अगर एक साथ हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ता है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो ठीक है क्वेश्चन में नहीं है मैं बता रहा हूं ठीक है तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई अब क्लास नाइन टेंथ के बच्चे क्या करते हैं इसको आगे और सॉल्व करते हैं और जहां पे इसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती है तो याद करो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने लिया था वहां मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन के लिए आपको बताया था कि भाई माइनस बी एक बार प्लस का लिखोगे एक बार माइनस का लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी ठीक है ये फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद भी इसे सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो इस तरह से भी कर सकते हो लेकिन अभी इस क्वेश्चन में यही तक करना है चलो तो ठीक है बच्चों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया है क्या ठीक इस है इसमें पूछे एक क्वेश्चन और पूछा है कि आ, बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड ट्वेल्व लीटर ऑफ मिल्क एवरीडे हाउ मच ड्रिंक विल टेक इन ए टू ईयर अच्छा एक, देखो एक एलिफेंट के बारे में बताया जा रहा है ठीक है एक एलिफेंट के बारे में बताया जा रहा है जो एलिफेंट है वो ट्वेल्व लीटर ट्वेल्व लीटर ऑफ मिल्क जो एक दिन में पी जाता है हाथी और हमसे पूछा गया है सर ये बताइए सर कि टू ईयर में कितना टू ईयर में कितना वो दूध वगैरह जो पी जाएगा इसके बारे में यानी कि हमें क्वान्टिटी क्वांटिटी निकालनी है बच्चे ठीक है तो क्वांटिटी के लिए हमें बोला गया क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं देखो क्वेश्चन uh, ये है आपके पास कि भाई जैसे uh, एक दिन का एक सिंगल डे की बात करें बच्चों सिंगल डे की बात करें तो सिंगल डे में उसकी कैपेसिटी की बोल रहा है कि सिंगल डे में यानी कि वन डे के uh, एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्वेश्चन ये ड्रिंक ट्वेल्व लीटर एवरी डे ठीक है क्वान्टिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क ठीक है क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय एलिफेंट ये बेबी एलिफेंट भी लिख सकते हो चाहते ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ uh, uh, है बच्चों ट्वेल्व लीटर है ठीक uh, है ठीके? और हमें टू ईयर का निकालना है टू ईयर के लिए क्या करेंगे देखो अब टू ईयर का मतलब क्या होगा बच्चों टू ईयर का मतलब होगा थ्री सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू डेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आपके पास जब इसे थ्री सिक्सटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइव से मल्टीप्लाई किया टू को जीरो हो गया ये देखो कुछ इस तरफ से थ्री सिक्सटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव टू ज़्यादा टेन हो गया ये आ गया सिक्स टू जो आपके पास ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन हो गया और ये आपके पास जो है सिक्स ये थ्री सिक्स हो जाएगा प्लस वन यानी कि सेवन थर्टी डेज आ गया ठीक है इसका मतलब ये है कि एक मिनट एक मिनट आपको सेवन थर्टी डेज़ का आपको निकालना है बच्चों ठीक है सेवन थर्टी डेज़ का हमें निकालना पड़ेगा ठीक है और एक दिन का हमारे पास क्या है एक दिन की जो कैपेसिटी है एक वन डे की कैपेसिटी कितनी है ट्वेल्व लीटर है ठीक है भाई? अब जैसे क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन के लिए क्या करोगे कि भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर टू ईयर ड्रिंक बाय बाय एलिफेंट ठीक है वो जो एलिफेंट है या हाथी है अगर उसकी क्वांटिटी की बात करें बच्चों कितना ड्रिंक कर सकता है टू ईयर में तो लिखेंगे आ, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो सेवन थर्टी आ रहा है बच्चों इस सेवन थर्टी डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्थ से ट्वेल्थ से इसलिए क्योंकि ट्वेल्व उसकी कैपेसिटी एक दिन की है एक दिन में ट्वेल्व लीटर है तो सेवन थर्टी डेज में क्या होगा तो यहां पे सिंपली आपने क्या करना है सेवन थर्टी को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आ रहा है भाई कमेंट करके बताओ मुझे क्या रहा है ठीक है बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है बच्चों इसमें आपको सेवन थर्टी को और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करना है फटाफट फड़ मल्टीप्लाई करो मुझे भी बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है अभी ठीक है फिर ये जो आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी इसकी आ जाएगी बच्चे कि टू ईयर के अंदर जो बेबी एलिफेंट है वो इतना अमाउंट जो मिल्क है वो ड्रिंक कर लेता है इतना पी जाते हैं ठीक है थीके? तो भाई सेवन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करो बच्चो बताओ क्या है तो जब सेवन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ठीक है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सेवन सॉरी लीटर आ जाएगा ठीक है बच्चे तो यहां तक मैं आपको आप लोगों को दे रहा हूं देखो एक बार मल्टीप्लाई करके कि यही रिजल्ट है कुछ और है तो मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि इसका रिजल्ट क्या रहे हाँ ठीक है बच्चे बताओ इसका रिजल्ट क्या रहा है इसको जो क्या नाम है सेवन थर्टी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है ये बताओ hmm.

कि वन डे के अंदर वन डे के अंदर बेबी एलिफेंट सपोज कर लो जो मिल्क ड्रिंक करता है ट्वेल्व लीटर की जगह मैं कह देता हूं फाइव लीटर थोड़ा कम पीता है मान लेते हैं ठीक है तो फाइव लीटर ड्रिंक करता है बाकी दूसरी चीज खाते हैं ठीक है वन डे की कैपेसिटी मैंने आपको कितनी दे दी फाइव लीटर दे दी बच्चों अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे फाइव uh, ईयर का निकाल के बताओ कि फाइव ईयर में इसकी कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों फाइव ईयर के लिए कैलकुलेट करो वन ईयर वन डे का दे रखा है मैंने वन ईयर का नहीं दे रखा ध्यान से देख लो वन डे का दे रखा है और मैंने पूछा कि वही फाइव ईयर में कितना होगी इसकी कैपेसिटी कितना क्वांटिटी होगा क्वांटिटी फाइंड आउट करना क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है मैंने वैल्यू चेंज कर दिया ट्वेल लीटर की जगह मैंने फाइव लीटर कर दिया और ये जो टू ईयर था बच्चों ईयर की जगह मैंने फाइव ईयर कर दिया ठीक है कैलकुलेट करना और कमेंट करके बताना भी आपका आंसर क्या रहा है तो बच्चों मैं अभी क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ ठीक है ठीक है दो बच्चों ने रिप्लाई कर दिया ठीक है बच्चों ठीक है अब इस क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट बॉक्स में अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ तो आप लोग इसका रिजल्ट बताना आपका रिजल्ट क्या आएगा चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की इस क्लास को यहाँ ओवर करते हैं कल सुबह सात बजे और हाँ भाई जिन बच्चों ने भी वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो और हाँ अपने दोस्तों में से शेयर जरूर किया करो ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना बच्चों ठीक है चलो फिर बाय बाय आज के लिए फिर इतना ही है सुबह सात बजे कल मिलते हैं ठीक है कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया मुझे एट सेवन सिक्स जीरो अभी जो स्क्रीन पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों इसे भी सॉल्व करना इसे भी बताना ठीक है चलो बाय बाय आज के लिए इतना ही बच्चों